अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों आज हम CG 125 के ब्रेक शू चेंज करेंगे और आपको तरीकाकार बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने घर पर CG 125 के ब्रेक शू चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों सबसे पहले व्हील का एक्सल हम खोलेंगे। नट खोलने के बाद अभी हम ब्रेक को फुल खोल देंगे। ब्रेक की जो एडजस्टमेंट है उसको आपने बिल्कुल बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद इसका जो बोल्ट है और नट है वापस रॉड पर टाइट कर देना है ताकि वो गुम ना हो जाए। इसके बाद ब्रेक शू प्लेट का 12 नंबर चाबी से हम नट खोलेंगे। नट खोलने के बाद व्हील का एक्सल बाहर निकाल कर जो ब्रेक शू प्लेट है उसे बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों ब्रेक शू प्लेट हमने बाहर निकाल लिया और ब्रेक शू की जो आप हालत है वो देख सकते हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम नए ब्रेक शू इसमें इंस्टॉल करेंगे। पुराने वाले को इस तरह से हम उतार लेंगे और नए वाले जो इंस्टॉल करने का तरीकाकार है बहुत ही आसान है। लेकिन उससे पहले आपने यहाँ पर जो काला ऑयल है उसको लगा लेना है ताकि ये अक्सर बारिश की वजह से या अंधोने की वजह से मिट्टी वगैरह यहाँ पर जमा हो जाती है, उस वजह से ये जो लीवर है इसका वो जाम हो जाता है। तो यहाँ पर अभी हम जो ब्रेक शू हैं उसको इनको इंस्टॉल करेंगे। तो इस तरीके से आपने एक ब्रेक शू फिट करना है और दूसरे ब्रेक शू को इस तरह से आपने ऊपर बिठा देना है। बहुत ही आसान काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है। आप आसानी से ब्रेक शू को प्लेट पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ब्रेक शू वापस हब में फिट करने से पहले आपने रेग मार की मदद से यहाँ हब में इस तरह से आपने सफाई कर लेनी है। उसके बाद आपने हवा का प्रेशर भी मार लेना है ताकि जो अंदर मौजूद कचरा वगैरह मिट्टी वगैरह वो बाहर निकल जाए। तो देख सकते हैं आपके ब्रेक जो एडजस्टमेंट है वो बिल्कुल जेन्युइन किस्म की हो चुकी है। इसकी जो व्हील स्लीप जिसे कहते हैं, जिस जहाँ पर ब्रेक शू चलते हैं, ब्रेक वगैरह लगाते हैं, वो जगह बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ अब हम एक्सल का वापस नट वगैरह लगाएंगे, जो चैन की एडजस्टमेंट है जिसे पंजाबी में चिड़ी कहते हैं वो लगा कर इसका जो नट है वो वापस टाइट कर देंगे। लेकिन फुल टाइट नहीं करना अभी आपने, क्योंकि इसके बाद जो ब्रेक शू प्लेट की जो का बोल्ट है वो भी हम आपने लगाना है और ब्रेक की एडजस्टमेंट भी करनी है। तो यहाँ पर अभी दूसरी साइड की जो एडजस्टमेंट है वो फिट करेंगे। फिट करने के बाद अभी हम थोड़ा सा एक्सल को और मज़ीद टाइट करेंगे ताकि ब्रेक जो व्हील में आप देख सकते हैं कि आगे पीछे की जो लचक है वो थोड़ी सी कम हो जाए। इस तरह आपको काम करने में काफ़ी आसानी होगी। तो दोस्तों अब बारी है ब्रेक को एडजस्ट करने की। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों ब्रेक की जो एडजस्टमेंट है वो आपने इस तरीके से रखनी है, ज़्यादा ब्रेक को टाइट भी नहीं करना। तो बाद का जब ज़्यादा लोड मोटरसाइकिल पर होता है, 2 से 3 अफराद बैठे होते हैं, तो उस वक्त जो ब्रेक है वो ऑटोमेटिकली जो है वो टाइट हो जाती है। तो इस वजह से ब्रेक की आपने एडजस्टमेंट बिल्कुल यहाँ पर रखनी है। और एक्सल को टाइट करने का तरीकाकार भी यही है कि आपने ब्रेक को दबा कर एक्सल को फुल टाइट करना है।
तो यहाँ पर ब्रेक शू वगैरह की एडजस्टमेंट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।